अस्सलामुअलैकुम। आज हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अ नंबर सिस्टम और न्यूमेरल सिस्टम इज़ डिफाइंड एज एन एलिमेंट्री सिस्टम टू एक्सप्रेस नंबर्स एंड फिगर्स। जब भी हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं या फिगर्स को एक्सप्रेस कहते हैं तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास फिगर्स को लिखने का एक सिस्टम होता है जिसमें हम उनको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास यही हम नंबर्स यूज़ करते होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है बेस वैल्यू। हमारे पास जिस सिस्टम में जितने नंबर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, फिगर्स यूज़ कर रहे होते हैं, वही उसकी बेस वैल्यू होती है। अगर सपोज अगर हम जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें हम 10 नंबर यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें हम 10 नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी बेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 10 होगी। बेस वैल्यू की बेस पे ही हमने नंबर सिस्टम को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसी हम कहते हैं 10 को, तो इसमें हमारे पास 10 नंबर यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और ये हमारे पास 0 से लेके 9 तक नंबर्स ही यूज़ होते हैं। जिस तरह का भी हमने नंबर क्रिएट करना हो तो वो हम इन 10 नंबर्स को यूज़ करते हुए ही यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो नंबर होता है, ईच डिजिट इन द नंबर इज़ एट अ स्पेसिफिक प्लेस विथ अ प्लेस वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ 10। हर नंबर जो है डिफरेंट विथ ईच डिजिट इन द नंबर इज़ एट अ स्पेसिफिक प्लेस विथ अ प्लेस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ 10। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हम क्या बात कर रहे हैं। हमारे पास एक नंबर है 12265। अब हर नंबर की हमारे पास एक डिफरेंट प्लेस वैल्यू होती है, और प्लेस वैल्यू हमारे पास कैसे होती है, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ 10 लेते होते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे अब हम इस नंबर्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 × 10⁻¹। अब अगला नंबर है तो 6 × 10⁻¹ लेंगे, 2 × 10⁻²। लेंगे फिर इस 2 के लिए हम करेंगे 2 × 10⁻³ लेंगे, 1 × 10⁴ लेंगे। ये अब 10⁴ का मतलब क्या है, इसमें जितनी पावर्स होगी उतने हमारे पास 0 आ जाएंगे। ये नंबर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × इसमें 10⁴ है, तो ये हमारे पास इसमें 3 नंबर्स आ गए, और इसमें हमारे पास 2 नंबर होंगे, और ये 6 × 10 हो जाएगा, और 5 × 1। जिस चीज़ की पावर 0 होती है उसको हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। ये हमारे पास नंबर आ गया। तो अब हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ये हमारे पास 10,000 है, ये हमारे पास 2,000 है, ये 200 है, और ये हमारे पास 60 है, और ये हमारे पास 5 है। तो अब हम इसको जब कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास 12265 आ जाएगा। तो हर नंबर की उसके अपने प्लेस पे एक प्लेस वैल्यू है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ 10 के साथ। जैसे अब हम इसकी प्लेस वैल्यू, इस नंबर, इस 2 की प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, 2 लिखकर इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उतने हमने 0 लगा देने हैं, तो इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000। अब जैसे 6 है तो 6 लिखकर उसके आगे सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो यहाँ से हमारे पास प्लेस वैल्यू को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू इज टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एज द फर्स्ट प्लेस वैल्यू कॉल्ड यूनिट। अच्छा, अब पहले नंबर को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं 10, फिर अगला नंबर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, 100 कहेंगे। अब इसमें हमारे पास ये वाला जो नंबर होगा इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, इसको हम 100 कहेंगे, इसको 1000 कहेंगे, इसको 10,000 कहेंगे, इस तरह से आगे हमारे पास आते जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी वो हो जाएगी,
तो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेकंड टाइप जो है बाइनरी नंबर सिस्टम की है, बाइस टू को कहते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टू होती है। इसमें हम दो डिजिट्स यूज़ करते हैं इसलिए इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और जो दो डिजिट्स हैं वो हम कौन से यूज़ करते हैं नंबर्स को बनाने के लिए, ज़ीरो और वन, ये हम दो डिजिट्स इसमें यूज़ करते हैं इस नंबर सिस्टम में। तो इसकी बेस वैल्यू हमारे पास क्या है, टू है। और जो नंबर्स हम इन दो नंबर्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर्स कहते हैं। ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये जो यूज़फुल है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में है, जैसे कंप्यूटर में है, बिकॉज इट कैन बी इजीली परफॉर्म यूजिंग जस्ट टू स्टेट्स ऑन एंड ऑफ। तो हमें सिर्फ दो ही आंसर उसमें चाहिए होते हैं, या ऑन है या ऑफ है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इस तरह जिसमें हमें सिर्फ दो आंसर्स हमारे पास होते हैं, तो वो हम उनको बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो वो हम उसमें दो डिजिट्स यूज़ करते हैं, ज़ीरो और वन। अब जो डिजिटल नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम के जो हमारे पास नंबर से ज़ीरो से लेके टेन, उनको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमने नंबर का जो आंसर है वो ज़ीरो और वन में ही देना है। तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास कौन कौन से थे, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। अब अगर हम इन सारे नंबर्स को बाइनरी नंबर सिस्टम में करें, कन्वर्ट करें, तो हम कैसे करेंगे, वो आज हम मेथड पढ़ेंगे। अब अगर ज़ीरो और वन में आंसर आ रहा है तो वो हम वैसे रहने देंगे, अगर किसी और नंबर्स में आ रहा है तो उसको हम चेंज करेंगे। जैसे अब बाइनरी नंबर सिस्टम में ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, अब इसको अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करूँ तो वो हमारे पास आंसर क्या आएंगे, ज़ीरो को ज़ीरो ही रहने देंगे, वन भी वन ही रहेगा। अब टू को हम कैसे करेंगे, टू को हम इस तरह से करेंगे, टू वन ज़ा टू, और ये हमारे पास आ गया ज़ीरो, यानी ये पूरा डिवाइड हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आया, ज़ीरो। तो टू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम टेन से डिफाइन करेंगे। अब अगर हमारे पास थ्री आ रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे, टू वन ज़ा टू, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, वन। तो आंसर हमारे पास आ गया, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 11 से। अब अगर मैं 4 को करना हो तो हम 4 को कैसे करेंगे, 2 टू ज़ा 4, और अब पूरा डिवाइड हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। और अभी ये फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 वन ज़ा 2, अब ये पूरा डिवाइड हुआ तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो हम 4 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको 100 से करेंगे, क्योंकि हमने आंसर जो है सिर्फ 0 और 1 में देना है। अब हम इसी तरह से 5 को कैसे डिवाइड चेंज करेंगे, 5, 2 टू ज़ा 4, एक नंबर बच गया, तो ये आंसर आ गया, अभी भी डिवाइड हो सकता है, 2 वन ज़ा 2, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये। तो 5 को हम कैसे डिफाइन करेंगे इसमें, 101 से। इसी तरह से 6 को, 7 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक नंबर है हमारे पास 14, सिंपल मैं कोई नंबर ले रही हूँ 14, तो हम उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे करेंगे कन्वर्ट, जैसे अब 2 7 ज़ा 14, पूरा डिवाइड हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या बचा, 0। अब हम 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास 1 बच गया, 2 1 ज़ा 2, और आंसर आ गया 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना हमने शुरू करना है, 1 1 1 0। अच्छा, अब इसी नंबर से हम दोबारा 14 भी बना सकते हैं। अब ये जो नंबर है वो हमारे पास, उनकी बेस हमारे पास क्या है, 2 है। इसको हम दोबारा डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने प्लेस वैल्यू बनाई थी उस तरह से। यानी अब पहला नंबर मैं ले रही हूँ, तो हम इसको 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर को 10 की पावर 1 से, और ये हमारे पास यूनिट होता है, 1 को हम यूनिट कहते हैं, और ये हमारे पास 10 होता है, नेक्स्ट हमारे पास 100 होता है, 10 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 100 होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब जो होता है वो हमारे पास 1000 होता है। तो ये हमारे पास